हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी फूड विद चैताली। आज हम बनाने जा रहे हैं चोकोलावा केक। इसके लिए मैंने लिया है 100 ग्राम मैदा, इसे मैंने छान लिया है। 2 चम्मच कोको पाउडर, 40 ग्राम शुगर पाउडर, 3 चम्मच देसी घी। आप इसमें ऑयल या फिर बटर का भी यूज कर सकते हैं। डेढ़ कप पानी, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 ड्रॉप वेनिला एसेंस। तो हमारा चोकोलावा का बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम केक टिन को घी से ग्रीस कर लेंगे। आप केक टिन के जगह पे एल्युमिनियम बाउल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एल्युमिनियम फॉइल से कुछ बाउल बनाने जा रही हूँ। तो पहले हम एल्युमिनियम फॉइल को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक ग्लास ले लेंगे और इसे ग्लास के ऊपर रख देंगे। फिर इसके चारों कॉर्नर को स्प्रेड कर लेंगे। चारों कॉर्नर को स्ट्रेट करने के बाद इसे एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे। और जो एक्स्ट्रा का जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो हमारा एल्युमिनियम का बाउल जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम बैटर को इसमें ऐड करेंगे। तो पहले मैंने बैटर को ऐड किया। फिर इसमें डाली डार्क चॉकलेट। आप इसमें डेरी मिल्क चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट डालने के बाद मैं फिर से बैटर को इसमें ऐड करूँगी।
कढ़ाई को 5 मिनट पहले प्री हीट के लिए रख दिया है। इसमें मैंने रखा है स्टैंड, स्टैंड के ऊपर रखी है प्लेट। इसको 10 मिनट के लिए हम हीट करेंगे। आफ्टर 10 मिनट हमारा जो केक है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो हमारा चोकोलावा केक बनके रेडी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं।